GMS Group of Institutions Harper has been a movement to impart education in its true sense. It is really a movement that commits to deliver a highly disciplined and cultured civil society. Its objective is to achieve excellence in the field of knowledge, innovation, understanding and transmission of knowledge in different streams such as BTech, BBA, BCA, BSc, BCom, BA, MBA, Polytechnic, D Pharma, B Pharma and MCA programs. Group of Institutions Harper is a top-notch institutions in the whole gamut of NCR Delhi. JMS संस्थान KG2PG National Highway 9 हापुड़ ATMS National Highway 24 अछेजा कट के पास हापुड़ ओम कॉमेंट जूनियर हाई स्कूल मोहल्ला फुलगली पीर वाली गली हापुड़ मोनार्ड यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं का भविष्य मोनार्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन नेशनल हाईवे 9 पे लखवा हापुड़ जय हिंद जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शासन प्रशासन ने अपनी समझबूझ से दंगा होने से बचा लिया। बीते बृहस्पतिवार को कांवड़ यात्रा के दौरान बुलंदशहर रोड पर बड़े मदरसे के पास शरारती तत्वों ने कांवड़ियों के जत्थे पर तथाकथित रूप से फूंक जैसी चीज फेंक कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आपको बता दें, मोहल्ला तगरा सराय से कुछ कांवड़िए ब्रजघाट से गंगा जल लेने के लिए जा रहे थे, जब उनका जत्था बुलंदशहर रोड स्थित बड़े मदरसे के पीछे वाले गेट के सामने दूसरी बिल्डिंग जामिया अरबिया खादी मूल इस्लाम के छात्रावास व शिक्षण के गेट पर पहुंची तो अचानक से उनके ऊपर थूक जैसी चीज फेंकी गई। इससे नाराज होकर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। लगभग कांवड़ियों का 20 मिनट तक हंगामा होता रहा, जिसे केवल एक सिपाही व SI ने संभाले रखा। जब SI ने देखा कि हालात नहीं संभलने वाले हैं और हालात बिगड़ने वाले दिख रहे हैं, तो SI ने अपने उच्च अधिकारियों को फोन कर अवगत कराया। तब जाकर सर्वप्रथम हापुड़ कोतवाली के कोतवाल रघुराज सिंह हंगामा कर रहे कांवड़ियों के बीच पहुंचे तो कांवड़ियों की हापुड़ कोतवाल के साथ बहुत देर तक नोकझोंक होती रही। कोतवाल हापुड़ कांवड़ियों को शांत करने में लगे रहे, लेकिन कांवड़िए आरोपी को छात्रावास में छुपे हुए आरोपी को बाहर निकालने की बात कहते रहे और वहीं पर सड़क पर बैठ गए। हापुड़ के SDM शुभम श्रीवास्तव व हापुड़ सिटी के CEO वरुण मिश्रा मैं फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कांवड़ियों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया। कभी कांवड़ियाँ शांत हो जाते तो कभी कांवड़ियाँ उत्तेजित हो जाते। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा और कांवड़ियाँ पुलिस से आरोपी को पकड़ने की बात करते रहे। पुलिस प्रशासन ने अपनी समझबूझ से किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराकर उन्हें आगे के लिए रवाना कर दिया और हापुड़ की फिजा खराब होने से बचा लिया। घटनास्थल पर हापुड़ SP व ASP भी पहुंचे। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनित भटनागर को, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। देखिए, ये तगासराय में से होकर के एक कांवड़ जा रही थी, कुछ लोग इसमें थे, कुछ लोकल्स थे, कुछ बाहर के भी थे। उनका कहना है कि यहाँ पे स्थानीय जो बड़ा मदरसा उस वहाँ उसके पास से किसी व्यक्ति ने कांवड़ का अपमान किया है, उसको उससे थूका है। तुरंत ही पुलिस इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पहुँच गई, लोगों को समझा बुझा करके उनको बताया कि जिसने भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई ऐसी करी है कि जिससे आस्था के ऊपर चोट लगती है, तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कुछ वीडियो है हमारे पास में, उन वीडियो का सहारा लेकर के और जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का दुष्कृत किया है उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने सुना हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनित भटनागर को, जिन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब सुनते हैं विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल को, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। प्रशासन अगर चाहेगा जल्द से जल्द जिसने थूका है उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं, विधर्मी थे, मदरसा पास में है, सारे शब्द कहे नहीं जाते, समझा जाता है, क्षेत्र वही है। उन्होंने ही थूका, उसके बाद चैलेंज किया थूकने के बाद,
प्रशासन से हम बार बार यही मांग कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं लगातार कि ये मार्ग थोड़ा सेंसिटिव है, इस पर ध्यान रखें। हम प्रशासन के साथ हैं, अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो मैं आंदोलन करने से कोई, हम किसी भी कीमत पर अपने भोलों का अपमान नहीं सहेंगे, किसी भी कावड़ों का खंडित होना नहीं सहेंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। एक बता रहे हैं कि एक लोग पकड़े हैं अभी, जिसने थूका है वो गायब है। वही आपके माध्यम से भी हम मांग करेंगे कि हमारा ये सावन का आयोजन महत्वपूर्ण आयोजन है और हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारे साथ विधर्मी गलत काम करता है। कॉस्मिक न्यूज ब्यूरो, अब दीजिए मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। वेलकम टू ATMS। Our sprawling campus provides a conducive environment for learning with cutting-edge facilities and resources designed to support academic excellence. Beyond academics, our vibrant campus life offers a plethora of opportunities for students to discover their passions. Contact us today to begin your academic adventure. खबरों की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल ATC फास्ट न्यूज व कॉस्मिक न्यूज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी कर दें और बेल बजाना ना भूलें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।